बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम काश्तकार दोस्तों। यकीनन आप देख रहे होंगे मेरे पीछे एक एकड़ का जो ब्लॉक है 6 एकड़ का। तो आज की हमारी वीडियो किकर प्लांटेशन के हवाले से है कि इसकी के फ़ायदे हैं और ज़मीन हमारी ज़मीन के लिए कितने फ़ायदेमंद हैं। जो देसी किकर के दरख्त होते हैं जिसको हम सिंधी में सिंधी बबर या देसी बबर भी कहते हैं, तो आज की हमारी वीडियो इसके मुतलिक होगी। आपको इस वीडियो का पूरा जो है ना विज़िट करवाता हूँ। ये 3 साल के ब्लॉक है हमारा, 3 साल का जो कि किसान ने ब्लॉक लगाया है। ऐसी ज़मीन में लगाया था जो कि वैरासी ज़मीन थी, एवरेज कम दे रही थी। इसका मकसद लगाने का यही था कि 4-5 साल के कर लगाएं, उसके बाद ये ज़मीन काश्त के हवाले से काबिल काश्त हो जाए, इसका ऑर्गेनिक मैटर जो है वो बेहतर हो सके। तो इस हवाले से यकीन इसमें अभी आगे चल कर हम इस वीडियो में बात करेंगे। लिहाजा गुजारिश आपसे ये है कि आप अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और ये मुकम्मल वीडियो देखिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जैसा कि मैंने बताया आपको, ये 3 साल का ब्लॉक है जो कि 6 एकड़ पर मुश्तमिल है। तो इसने प्लांट्स चक्कियों की शक्ल में लगाए थे इस फार्मर ने। तो दरख्त लगाने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि उस ज़मीन में लगाना चाहिए। एक कारोबार में फसल के मतलब हमारे काश्तकार दोस्त यही कहते हैं कि भाई ये एक फजूल है। तो एक कुदरत की चीज, हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद होता है, तो दरख्तों का भी एक बड़ा हमारी ज़िंदगी में हमारे माहौल में बहुत बड़ा रोल है। तो किकर प्लांट्स भी एक कारोबार के तौर पर भी आप अपनी फसलों की जगह लगा सकते हो, ये भी एक अच्छा बिजनेस है और साइड बिजनेस भी है। अगर आपकी ज़मीन काबिल काश्त नहीं, उसका ऑर्गेनिक बेहतर नहीं है, तो आप किकर फार्मिंग करके उससे अर्निंग कर सकते हैं। यानी आप उससे भी जो है ना अपनी मौशी हालात ठीक कर सकते हैं और अपनी ज़मीन का ऑर्गेनिक मैटर भी बढ़ा सकते हैं, जिसको हम ज़रखेज़ी कहते हैं। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि आप अगर आपकी ज़मीन कोई भी 2 है 3-4 एकड़ है, तो आप उसको किकर प्लांटेशन करके, किकर प्लांटेशन का जो टाइम होता है वो फरवरी मार्च अप्रैल में होता है और अगस्त में इसकी जो प्लांटेशन की जाती है। बेस्ट बेहतर तरीका ये है, इसमें कोई प्लांट्स आपको लगाने के बाद मिस कम होंगे, इसके चांसेस कम होते हैं, क्योंकि सर्वाइवल अच्छा होता है। लगाने का बेस्ट टाइम ये होता है। तो ये 3 साल का जो फरवरी में लगाए थे हमने, 2021 में लगाए थे, तो इनको 3 साल पूरे हो चुके हैं। तो 6 एकड़ में ये तकरीबन 7,500 दरख्त लगाए हैं फार्मर ने। इसका मकसद यही है लगाने का कि ये ज़मीन पहले इतनी काबिल काश्त नहीं थी, क्यों जैसे कि मैंने भी आपको पहले बताया कि वायरासी थी। अभी जब ये 5-7 साल छोड़ देगा ये दरख्त, जब बेचेगा तो तकरीबन 3 से 4 हज़ार में एक दरख्त इसको बेच सकता है। तो इससे उनके लाखों रुपए आ सकते हैं बगैर किसी इन्वेस्ट के, क्योंकि सिर्फ इसने प्लांट्स ही लगाए थे, इसके कोई फर्टिलाइज़र नहीं है। इसमें साल में तकरीबन 1-2 या पानी देना पड़ता है इसको, वरना ये बारिशों वगैरह पर जो है ना हो जाते हैं। तो इसमें एक तो हमारे माहौल के लिए भी बेहतर है, क्योंकि जो अभी मौसमियाती तब्दीली चल रही है उस हवाले से कभी गर्मी है को कभी सर्दी है। तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारे माहौल में इसका अहम रोल है, क्योंकि जो हम जो भी दरख्त हों, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं वो दरख्त खाते हैं, और जो ऑक्सीजन निकालते हैं वो हमारे काम आता है। तो इस तरह से जब अब गर्म गैसेस बढ़ गई है, तो मौसमियाती तब्दील की वजह से गर्मियों में बहुत शिद्दत आ चुकी है, ख़ास तौर पर हमारे इलाकों में जो बालाई सिंध है उसमें। तो दरख्त लगाने के बाद मौसम जो है वो अच्छा हो जाएगा,
और हमारे माहौल में जो परिंदे हैं, ख़ासतौर पर शहद है, वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। वो उसमें भी इजाफ़ा होगा, शहद में भी इजाफ़ा होगा, शहद की मक्खियाँ आएंगी इस पर, उसकी नस्ल में इजाफ़ा होगा, और जो परिंदे नायाब होते जा रहे हैं उसमें भी इजाफ़ा होगा, क्योंकि यहाँ वो घोंसले वगैरह बनाएंगे। जब ये काट देंगे 4-5 हज़ार में एक, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो इनकी लाखों रुपए में अर्निंग हो जाएगी। और जो इम्पोर्टेड्स बात है ना ऑर्गेनिक मैटर के हवाले से जो मैंने बताया, वो किससे है, ये चीज़ दिखाता हूँ मैं, ऑर्गेनिक मैटर ये चीज़ है भैया, ये देखिए कितने पत्ते जो है ना इसके झड़ते हैं ना नीचे, अभी कितने 1 इंच 2 इंच तक है ना, इसके जो वेस्ट है ऊपर ना वो जो गिरा है ना, ये एक ऐसे समझो कि ये देसी खाद है। अभी जिस ये देसी खाद है ना, अभी तो 2 साल और छोड़ देगा ये फार्मर, तो ये 5 इंच 6 इंच तक ये खाद पड़ जाएगी। ऐसे समझो कि 6 इंच ये खाद डाल रहा है अपनी ज़मीन में, काटने के बाद ऐसी ज़मीन की ऑर्गेनिक मैटर हो जाएगा। वो भी आपको इंशाल्लाह ज़रूर दिखाएंगे, मैं दिखाऊंगा इसके काटने के बाद रिव्यू कि इसकी काफिल काश्त कैसे है, अब काश्त कैसी होती है ज़मीन में। ये देखिए आप नीचे देखेंगे ना, तो 2 इंच तक ये इसके पत्ते और वेस्ट जो है वो नीचे गिर रहा है, इससे इसका ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इस वक्त सुन रहे हैं आप ये परिंदों की आवाज़ें, ये अपनी परिंदे जो है ना यहाँ घोंसले वगैरह है उनके, उनकी नस्ल में भी इजाफा हो रहा है। इसके ऊपर देखें ये माशाल्लाह, ये देखें कितने, अगर अभी भी ये बेचे ना 2 हज़ार की ये एक जाएगा, 2 से 3 हज़ार तक, तो इसमें भाई पैसे ही पैसे ही। हमारे का आशकार दोस्त यही कहते हैं कि ये नहीं, ये ज़मीन को ख़राब कर देते हैं इनको, कुछ का जो है ना यही आ जाता है। तो इसमें कोई पैसा खर्च नहीं है, एक टके का भी पैसा खर्च नहीं है, बस एक दफ़ा आप लगाएं, 6 माह तक इसका ख्याल रखें, कोई जानवर वगैरह खाना लें इसकी चोटी वगैरह, तो यही केयर है इसकी। अगर ये आप केयर करेंगे तो यकीनन आप लाखों रुपए में कमा सकते हैं। कभी फसल तो नुकसान दे सकता है क्योंकि मौसम की वजह से, इसको तो एक तो मौसम कुछ नहीं कर पाएगा ना, सर्दियां हो गर्मियां हो, बस एक दफ़ा हो जाएंगे। ये देखिए अभी माशाल्लाह एक प्लांट्स, एक दरख्त भी मिस नहीं है इसमें, 6,500 नहीं 6,500 ही लगे हुए हैं अभी तक। ये देखिए नीचे सारी ज़मीन में वैसे पड़ा हुआ है 2 इंच का, लाखों रुपए में ये जा सकती हैं। लिहाजा गुजारिश है अगर आपकी भी कोई ज़मीन ऐसी पड़ी है तो आप भी कीकर फार्मिंग करके अपनी ज़मीन को भी बेहतर बना सकती हैं, माल को भी बेहतर बना सकती हैं, अपने माशी हालात भी बेहतर बना सकते हैं। आगे चल के आपको मैं दिखा रहा हूँ सारा ये ब्लॉक, ये देखिए परिंदों की आपको आवाज़ें जो हैं आ रही होंगी, इसमें परिंदों की आवाज़, बहुत सी परिंदों के यंग घोंसले हैं, ख़ास पर वो फातखा के। ये देखिए आपको घोंसला मैं आपको दिखाता हूँ, ये फातखा के घोंसला है, ये देखिए ये उन्होंने कह दिया, मैंने आपको डायरेक्टली दिखाता हूँ कि कैसे इसमें परिंदे अपना नस्ल बढ़ा रहे हैं। ये एक सदका जारिया भी है, सवाब का काम भी है लगाना, क्योंकि माहौल तो बेहतर होगा। और वैसे भी कहते हैं कि जो नंदरख्त वो सांस लेते हैं, तो ये जानदार चीज़ है, ये एक सवाब का काम भी है, और ज़मीन भी अच्छी हो जाएगी इससे, हमारा माहौल भी बेहतर हो जाएगा, हमारी मौसम भी बेहतर हो जाएगी। ये देखिए आगे आगे चल के आपको दिखाता हूँ ये कितना दरख्त हो गया है, एक बहुत बड़ा दरख्त हो गया है। ये 3 साल में इसकी हाइट आप चेक करें, और इसका कद तकरीबन 50 फीट तक है 3 सालों में, पूरा ब्लॉक है। ये देखिए आप इधर भी आप देखेंगे तो भी किकर है, क्योंकि ये बहुत बड़ी तादाद में ना 6,500 दरख्त लगाए रखे हैं इन्होंने, एक बहुत बड़ी तादाद है ये।
और अगर 4,000 या 3,000 में बेचे तो 5 साल में, तो आप खुद ही काउंट कर दीजिएगा कितने पैसे बनते हैं। ये एक इसमें 1 एकड़ में शायद 1500 से 1400 से 1500 लगा रखे। इसकी जो रो टू रोट साइज़ है वो 6.5 फुट है, यानी दरख्त से दरख्त से लेकर जो इसकी है, ये इस दरख्त से लेकर उस दरख्त तक, ये इस दरख्त से लेकर उस दरख्त तक इसकी जो साइज़ है, यहाँ जो इसको खेप कहते हैं वो 6 फीट का है। आगे भी दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए आगे भी सारा कुछ बस प्लांट से। बहुत ही अच्छी सुबह का टाइम है क्योंकि इस वक्त दिन के सुबह के 10 बज रहे हैं, तो भी फील्ड में आया था तो सोचा आपको ये भी फसल दिखाऊं। मैं तो फसल ही कहूँगा इसको क्योंकि इसमें तो अर्निंग भी है, माहौल का बेहतर है, ज़मीन के लिए भी अच्छी चीज़ है, तो दरख्त नहीं, मैं इसको फसल ही कहूँगा क्योंकि लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए फसल है ये, 5-7 साल के लिए फसल है। और दूसरी फसल हम जो लगाते हैं वो 6 माह के लिए होती है, 8 माह के लिए होती है, कुछ जो है ना 2-3 माह के लिए, ओ हाँ 2-3 माह के भी होती है। ये कुछ साल की गैफलिंग है लेकिन इसमें पैसे ही पैसे हैं, आपको इसमें पैसे बहुत मिलेंगे। बस एक दफ़ा लगाओ, उसमें कोई खर्चा नहीं है, बस थोड़ा अपनी जहन तौर पर अपने आप को तैयार करना पड़ता है कि ये जी मैं फसल लगा रहा हूँ ये 5 से 7 साल तक के बाद जो है ना मुझे कुछ फल वगैरह ऐसे मिलेंगे, तो बस और कुछ भी नहीं है इसमें भैया। ये देखिए कितने दरख्त हैं, माशाल्लाह ज़बरदस्त दरख्त हो चुके हैं इसके, एक जंगल की तरह है। ये देखिए बहुत सारे परिंदों की आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही हैं। ये देखिए नीचे नीचे ये सारा इसका वेस्ट बर्न हुआ है, ये देखिए देखिए। बहरहाल इसमें बहुत फ़ायदे, ये देखिए कितने दरख्त हो चुके हैं।